अच्छा जी, मैं अभी आपका विकीपीडिया का मैं पेज देख रहा था, आपको दो नेशनल अवार्ड्स आपको मिले हैं, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, अमराव जान एंड मेरा कुछ सामान इजाज़त, क्या आपको लगता है कि दैट आपको आप और नेशनल अवार्ड्स डेफिनेटली आप डिज़र्व करती थी? उसके बाद पद्म विभूषण मिला है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, तो अवार्ड कितने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के 21 अवार्ड है, फिल्म फेयर के 7 अवार्ड है, मतलब अवार्ड्स तो मिलते रहते हैं, पर जीवन तो अपना रोज का ही होता है। अवार्ड आज आपको याद ही नहीं होगा कि मुझे कौन से साल मिला था, किसी को नहीं याद रहता है कब कौन सा अवार्ड। आपको 81 में उमराव जान के लिए मिला तो था, तो 85 में आप इस पे हैं इसलिए आपको पता है। वैसे आप किसी को पूछेंगे कि कभी मिला था, किसी को याद नहीं रहता, पर गाना याद रहेगा। अच्छा जी, आपने सोना रे सोना अच्छा गाया था, ये आपको याद रहेगा, अवार्ड नहीं याद रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपका नाम है, 12,000 से ज़्यादा आपने अपने गाने गाए। जब आप अपने पास्ट जिंदगी पे आप जब देखते हैं, कैसा आपको महसूस होता है कि दैट कैसे ये हुआ, क्या ये आपका यही एटीट्यूड था कि आप प्रेजेंट में रहें और जो उस वक्त जो आपका था आपने उसी को ईमानदारी से साथ निभाया, उसी की वजह से ये सब। जब मैं ये काम अच्छा करूँगी तो दूसरा काम मिलेगा। क्या बात है, दैट वॉज द एंटायर। Okay, so how do you look at your grandmom? I think you're a fan of Lata ji as well at the same time. So what is it that you have imbibed from both of them? Inspiration. Right. I don't know how to explain this. I can't tell you in words. I mean, I can't tell you a lot, but every new thing that both of them do, it's always different. Right. So the will to keep going and to keep singing and finally doing something great and becoming something great in your life inspires me. Right. Inspires me a lot, because you don't come from like a very good, you know, family. I mean, when they were poor, and getting to this level and working hard their entire life is the biggest inspiration for me ever. I look up to them as role models. I know they're my grandmothers, but I look up to them as role models. And when it comes to singing, I don't have any words. They're just brilliant out of this world. So what are your favorite songs of Asha Bhosle? Oh, Mere Sonare. I love that song. Right. There's another song from My Chanda Ki Bindiya. Right. That song. And Churaliya. Kya baat hai, kya baat hai. Achha ji, what are your personal favorite? Aapke 5 agar gaane agar aap choose karna chahenge. Koi bhi. Pata hi nahi lagta. Itne gaane gaaye, kaun sa choose lu kaise. एक चीज़ बहुत से लोगों के माइंड में एक ये सवाल है इनका कि दैट जब आप लोग 60s में 50s में आप लोग जब रिकॉर्ड करते थे 70s में, तो वन टेक रिकॉर्डिंग्स होती थी। आज के टाइम में जैसे कि आप काफ़ी बार आप बहुत फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई, आप उस दौर को और इस दौर को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि दैट अभी आज चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं, बहुत सी मिक्सिंग में बहुत सी चीज़ें की जो आसान चीज़ होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती जी, आसान चीज़ कोई भी अच्छी नहीं होती। क्या बात, जिसको बहुत तकलीफ़ से किया जाता है वो टिकती भी है, अच्छी भी होती है, मेहनत होती है उसमें, फीलिंग्स थे, म्यूजिशियन साथ भी होते थे, एक गाने का एक उत्साह रहता था। अभी एक रूम में खड़े होके कान में माइक वो हेडफोन लगा के गा दिया, कोई मज़ा ही नहीं आता है, ना कोई सुनने वाला है, ना कुछ कहने वाला है, ना म्यूजिक डायरेक्टर बैठा है, ना बोल रहा है, ना राइटर कह रहा है कि आप गैन को ग कह रही हैं आशा जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप गैंस बोलिए उर्दू का, ख्वाब बोलिए, ऐसा कहने वाला कोई है नहीं अभी। अभी जो भी गाते हैं किस्मत को किस्मत बोलते हैं, कदम को कदम बोलते हैं, तो जबाने भी गई। तकलीफ होती है आपको सुन के इस तरीके से? बहुत तकलीफ होती, मैं गाना सुनती नहीं, कोई ऐसे ख्वाब बोल देता है तो मुझे लगता है ऋषि क्या कर दिया, खुदा नहीं बोलते हैं, खुदा बोलते हैं, अरे खुदा की खुदाई हो रही, बोले अरे क्या बोले। तो मैं जरा इस मामले में पुराने ख्याल क्योंकि लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, हिंदी, मराठी, उर्दू,
इतनी साफ होनी चाहिए कि मद्रास का एक लड़के ने गाया था, क्या था ये क्या गाना था, बहुत तुम लोग गाते थे रात बचपन में, उन्हें मद्रासी लड़के ने गाया था, क्या गाना था वो, ट्यून किसको याद, कोलाबेरी। अभी कोलाबेरी कोई शब्द होता है, उसका बीच में चांद भी आता था, रात भी आती थी, फिर उर्दू भी आती थी, कुछ भी आता, मतलब ये खेल हो गया बच्चों का, इना मीना मायना मोर डिका डोना, ऐसा खेल होता है, ऐसा गाना हो गया, गाने हो गए, ऐसे हो गए, जो लिख गए वो लिख गए। जब उठोगे मेरी बेताब निगाहों की तरह, जब उठोगे मेरी बेताब निगाहों की तरह, रोक लेगी डाली कोई मेरी बाहों की तरह। क्या बात है, अब ऐसे लिखने वाले कहाँ से मिलेंगे।